हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आप सबको तो खबर मिल ही चुकी होगी, नहीं मिली तो हमारे पहले वाले वीडियो को देख लेना। धमाकेदार न्यूज वो है कि भाई विराट कोहली एंड गौतम गंभीर के बीच में लड़ाई हो गई। पहले हमें लगा था कि ये टीम्स के बीच में लड़ाई है, फिर पता लगा नहीं थोड़ी पर्सनल लड़ाई हो गई। कहते हैं ना कि जीतने क्या दोनों का वो था और उस टाइप से लड़ाई, पर ये तो वाकई लड़ाई टाइप है जैसे होता है ना, कि आप दिखाओ पब्लिक में जैसे कि हम लड़ रहे हैं उस टाइप से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम हैं बिग बॉस के वासी, ना छोड़े कमी जरा सी। ये बिग बॉस तो कलर्स पे आता था ना यार, जियो सिनेमा पे कब से आने लगा। इतना बोरिंग मैच था, जैसे ही खत्म हुआ पता नहीं अचानक से बिग बॉस कैसे शुरू हो गया। और चीफ गेस्ट पता है कौन थे? चीकू भैया और गौती भाई। मैं आ जाऊं क्या? अरे ओहो, रीयूनियन हो तो ऐसा हो। मेरे को जानता नहीं है ये। 2013 में दिल्ली बॉयज ने मामला थोड़ा सा सेट किया था और वो मामला ठंडा ना पड़ जाए इसलिए रीयूनियन तो बनता है। चीकू भैया की ना भगवान इतनी जल्दी जल्दी सुन रहा है। अभी थोड़े दिन पहले तो ये मैच हुआ था और अब ये हो गया। चीकू भैया ना कर्मा वर्मा का वेट नहीं करते, ये फटाफट हिसाब खुद ही क्लियर कर देते हैं। बदला लिए बिना नहीं छोड़ते विराट भाई किसी को। एक बार इनको कोई ऐसे जीप चिढ़ा के ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। चीकू भैया ने तुरंत ही अगले दिन की फ्लाइट कराई, उसके घर जाके सामने खड़े हो गए और करके वापस आए, तब जाके उनकी सांस में सांस आई कि हाँ भाई हिसाब बराबर हुआ। कर्मा जब तक सोचता है ना यार विराट के साथ ये गलत हुआ है, विराट के साथ इस आदमी ने खराब किया, तब तक चीकू भैया सामने वाले में दो रैप्टे जड़ के आ जाते हैं। हमको पता था ये कोहली और गंभीर पक्का लड़ेंगे आपस में, इसीलिए हम पहले ही लंगड़ा होकर बैठ गए थे। कोहली का साथ देते गौती का साथ देते तो कोहली से मार खाओ। हम कोई मंदिर का घंटा है जो हर कोई आके बजा जाता है। हम लोग जनरली मैच के बाद टीवी बंद कर देते हैं, पर ये पहला मैच था जहाँ पर मैच के बाद टीवी खुले होंगे। पूरे मैदान में रॉयल रंबल चालू था। कहीं नवीन उलक लड़ रहा है, कहीं काइल मेयर्स लड़ रहा है, कहीं पर गौती और कोहली भाई लड़ रहे थे। बस अंडरटेकर और केन की कमी थी पूरे ग्राउंड में, वरना एक दूसरे को चॉक्सलेम ही लग रहे होते। राहुल भाई बेचारे लंगड़ेपन में भी गौती और विराट भाई की लड़ाई छुड़वा रहे थे। मुझे तो उस टाइम पे भी लग रहा था कोई इनकी टांग पे ना चढ़ जाए। हाँ आवेश भाई कहाँ हो यार? अरे चीकू भैया ढूंढ रहे थे आपको। वो बोल रहे थे लास्ट टाइम मेरे प्यारे आवेश का हेलमेट टूट गया था, जोश जोश में उसको नया दिलवा देता। हाँ आ जाओ ग्राउंड पर ही है सब। इनके घर ना चले जाए चीकू भैया भाई, कि सबका हिसाब क्लियर हो गया, आवेश तेरा ही बचा है, आ रहा हूँ घर में। वैसे गौती भाई और चीकू भैया जो कर रहे थे आपस में वो तो ठीक था, पर ये नवीन उलक कहाँ से आ गया बीच में? ये जबरदस्ती बीच में आके विराट भाई के हाथ में झटके दिए जा रहा है। नवीन भाई आपको गाली तो नहीं दूंगा, पर आपको चादर मोत बोल के यही पूछना चाहूंगा, तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? नवीन भाई आपके जैसे बॉलर को ना सुबह सुबह वो ब्लैक वाटर के साथ गटक जाते हैं, थोड़ा सामने देखा तो करो यार कौन बंदा है। लास्ट टाइम आप अफरीदी के साथ उंगली उंगली खेल रहे थे, वहीं तक रखो भाई। इतनी गालियां पड़ी ना इंस्टाग्राम पर, 2 सेकंड में इंस्टाग्राम का रोटीज बन गया। इसको इंस्टाग्राम पर इतनी गालियां पड़ी 10 मिनट के अंदर, मार्क जकरबर्ग ने खुद आके इसका कमेंट सेक्शन ऑफ किया इंस्टाग्राम का कि भाई मेरे को दया आ गई तेरे पे। नवीन भाई की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इनके पुराने पोस्ट पे कमेंट सेक्शन में देखो कितने कमेंट्स हैं, और अभी रिसेंट वाले कमेंट देखो 16,000 कमेंट। इंडिया से प्यार लेके जा रहे ले नवीन भाई, नॉटी। नवीन उलक के साथ एलएसजी ने अपना अकाउंट भी टैग कर रखा था साथ में। इनको बेमतलब में इतनी गालियां पड़ी है इसके चक्कर में कि उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। इसको सबसे पहले ऑटो में बैठा के अफगानिस्तान छोड़ के आए होंगे। ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया भाई। ये जितनी भी सारी लड़ाई की वीडियोस है तुम्हारे भाई ने पड़ोस की चुगली आंटी जैसे सब इकट्ठी करके टेलीग्राम पे डाल रखी सारी की सारी, और कुछ तगड़े तगड़े मीम्स भी थे जो यहाँ शेयर नहीं कर सकते वो मैंने वहाँ शेयर करे। जाके जरूर देखना भाई, एकदम मौज आ जाएगी। नवीन उलग गौती भाई ये लोग कम थे जो काइल मेयर्स भी आ गया। इसको हम लोगों ने बुकर टी क्या बोल दिया लास्ट वीडियो में, ये सच में WWE समझ बैठा क्रिकेट को। इसी ने आग लगाई थी सबसे पहले और आग लगा के शाना साइड में हो गया। RCB की टीम में इतने सीधे सीधे लोग हैं, पाप डुप्लेसिस जैसे। बेचारे चीकू भैया अकेले लड़ते रह गए, टैग टीम में कोई पार्टनर ही नहीं इनके साथ। इधर अकेले खेल रहे, उधर टैग टीम में गौती भाई नवीन उलग और मेयर्स एक दूसरे को ताली दे दे के टैग टीम पार्टनर्स खेल रहे, और भाई वो आदमी इंडिया में रह के सांसद से नहीं डर रहा यार। तुम कहां वेस्ट इंडीज
किससे ये 4 इंच की चोटी लेके आ जा रहे हो बकचोदी करने? अभी चोटी घुमा के तुम्हारी सीधे रजौरी गार्डन में डाल देंगे छोले भटूरे लाने के लिए। मेरा तो ऐसा चक्कर था ना भाई, गौती भाई भी बहुत पसंद है और चीकू भैया भी बहुत पसंद है, ऐसा लग रहा था मिलके ना विनू लक को ही कूट दो। गौती भाई को उनके टीममेट्स भी पकड़ रहे थे ना भाई, उनकी भी फट रही थी साथ साथ में कि इनको रोके या नहीं रोके भाई, कहीं हम ही लोगों का ना दे दे ये दो दो हाथ। और लड़ाई केवल ग्राउंड में नहीं चल रही थी बल्कि ट्विटर पे भी चल रही थी। लास्ट टाइम लखनऊ की टीम ने RCB के अगेंस्ट ये ट्वीट किया था उनको हरा के, लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज हाउ यू प्ले बोल्ड। इस बार RCB ने उनको हरा के उन्हीं के ट्वीट का रिप्लाई दे दिया, अदब से हराए। विराट भाई चुपके से एडमिन तो नहीं बन गए? जिससे पहले यार हम लोग इस बोरिंग मैच के बारे में बात करें, मैं तुमको एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। तुमको पता है ये विजन 11 पर रोज गिव अवे होता है एकदम मुफ्त 50,000 रुपए का, जिसकी एंट्री फीस होती है एकदम जीरो और प्राइजेस होते हैं 50,000 रुपए के। गुजरात वर्सेस दिल्ली में भी ये है, पर ये बहुत जल्दी फिल हो जाता है भाई, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करना एकदम इजी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड करो विजन 11 का ऐप और कूपन कोड में तनय11 डाल दो ताकि तुमको 500 रुपए मुफ्त बोनस मिल जाए। और यार यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट तुमको बाकी 5750 का मिलता है ना, यहाँ पे तुमको केवल 5199 में मिल जाएगा। इतने पैसे की सेविंग होती है ना भाई, तुमको खुद ही इस ऐप को यूज करते समय पता चल जाएगा। डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, और वीडियो के एंड में हम लोग टीम भी देखने वाले हैं विजन 11 की। लखनऊ वालों इसीलिए कहा था पूरे सीजन के रन एक ही मैच में मत बना दो, यहाँ 127 का टारगेट चेज नहीं हो रहा, अब तुमसे पहले ही थक गए। बेचारे KL राहुल भाई का मजाक बनाया जाता था कि ये पहला ओवर मेडन निकाल के T20 को T19 बना देते हैं। देख लो KL भाई एक मैच में क्या लंगड़ा है, पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 20 ओवर्स में से LSG के 5 ओवर तो मिश्रा जी ही खेल गए अकेले। लखनऊ की टीम से सबसे ज्यादा बॉले ही इन्होंने खेली। काइल मेयर्स ने कल बनाया तो डक और एटीट्यूड एकदम चीता जैसे लेके आया था। इतनी स्लो पिच पर हर्षल भाई ने जो अल्ट्रा स्लो बॉलिंग करी है ना, LSG की तो फटी गई, पल्ले ही नहीं पड़ी उनको बॉलिंग। खैर भैया मैच में नया कुछ नहीं है बताने को, RCB ने वही बहुत अच्छी शुरुआत करी, मिडिल ऑर्डर हक दिया फिर से एज यूजुअल। लास्ट टाइम के जैसे राहुल भाई ने भी 35-36 बॉलर्स का यूज नहीं किया, इस बार 7 बॉलर्स का प्रॉपर यूज किया। इसमें नवीन उलग भाई को मिल गए 3 विकेट, उसमें भाई वो अपने आप को राजा समझने लगे, उनकी खोपड़ी खनक गई, वो चलते चलते सड़क पे सबको टपली मार रहे हैं, गरीब के कंधे पे मुंह उतरे हैं, कोहली भाई का हाथ मोड़ रहे हैं, पागल ही होगा भाई, उनसे हजम नहीं हुआ कि मेरे को 3 विकेट मिल गए। इस मैच से रिलेटेड इतने तगड़े तगड़े मीम्स बने ना कि हम लोग को एक सेपरेट वीडियो लाना पड़ा जो कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और ये तो मैच बड़ा ही भयंकर मैच था, मतलब जितना एक्चुअल मैच बकवास और बोरिंग और उस टाइप से था, उसके बाद जो लड़ाई हुई वो तो लग रहा है कोई भयंकर हुई है। पहले वाले वीडियो में लग रहा था शायद थोड़ा हैंडशेक हुनशुक बस उसी की कोई प्रॉब्लम होगी, पर इसमें तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं 2-3 लोग भी इकट्ठे हो गए और उस टाइप से काफी तू मैं भी शायद हो गई होगी। अब ये ना हो कि कोई धक्का मुक्की भी हो गई हो या उस टाइप से भी कुछ कराओ, और सबके सब आके अरे ऐसे लग रहा है विराट कोहली बेचारे अकेले और उस दूसरी साइड से सब इकट्ठे हो गए, 3-4 लोग होके आ गए। भैया ऐसा कौन करता है यार, मैं तो समझ नहीं आ रही, मैं तो सुन के घबरा गई हूँ सच्ची में। चलिए लोगों को इंटरनेट मिल गया, मुझे पता नहीं था उस वक्त मतलब पूरी कवरेज चालू थी कि बंद कर दी थी। चालू होगी या लोगों ने ले लिया होगा अपने अपने फोन से, क्योंकि या तो ये है कि जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने मैच खत्म हो गया कवरेज बंद कर रहे हैं, मगर अगर इंटेलिजेंट चैनल हो बोले नहीं नहीं अभी तो एक्चुअली शुरू हो रही है फाइट, ऑन करो कवरेज, दिखाओ पूरी क्या हो रही है। अब एग्जैक्टली पता नहीं लोगों के कैमरे में आया है जो वहाँ फिजिकली बैठे थे देखने के लिए गेम को, कि लाइव टेलीकास्ट हुआ है इस फाइट का। माय गॉड, देखना पड़ेगा यार हुआ क्या एग्जैक्टली में, पर वाओ। अच्छा हर वीडियो में बोल रहे हैं दिल्ली वर्सेस गुजरात का, भैया मेरे हिसाब से तो अभी तक दिल्ली कुछ नहीं जीती ना, बताना अंडे पे बैठी है क्या ये जितने भी गेमिंग एप्स है उसमें तो लोग लखपति हो जाएंगे, वो बोलेंगे दिल्ली हारेगी। सबको पक्का पता होगा जो खेलते होंगे, माय गॉड वो अपने जितने भी गैम्बलिंग वाले ऐप से वो हटा देंगे ऑप्शन की, हटो हटो दिल्ली वाले नहीं लगाएंगे ऑप्शन। सबको पता चलेगा क्या है उसमें लगाने का फायदा नहीं, हमारा नुकसान होगा। पर यार कमाल है यार, फाइट ऐसे हो रही है, बट लोगों को कह रहे हैं कि मजा आया देखने का फाइट, क्योंकि मैच इतना बेकार था कि उनको लगा कि भैया ये फाइट ऐसा वसूल। इंस्टाग्राम में भी धूम मची हुई है इसकी यार, सोचो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।